पर कोई फनी, कोई मजे का या कोई दिल छूने वाला हुआ, किसी ने अप्रिशिएट किया हो, किसी ने दिल छूने वाला? नहीं यार, एक तो बहुत ही कोई स्केरी, हाँ स्केरी, वो भी सुन रही होगी सॉरी हाँ एक बहुत ही स्केरी चीज़ हुई थी मेरे साथ, कि एक लड़की थी मुझे फ़ोन पे इतना तंग करती थी, वो इतना तंग करती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब सुबह दोपहर शाम उसको ये पता होता था, मुझे समझ में नहीं आया मैं घर में मेरी तस्वीरें कहीं और, कुछ मतलब कुछ भी, हर चीज़ उसको पता होती थी मैं कहाँ हूँ क्या कर रही हूँ। वो अजीब किस्म की फ़ैन थी कोई। तो उसने मुझे कुछ फ़ोन किया, मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया, डांटा मैंने इस तरह से कि देखें मेरी अपनी लाइफ है, आप मुझे इतना तंग करती हैं, बच्चों के आपको पता है काम चीज़ें इतनी, एक तो आप ऑफिस से आ रहे हैं, क्लिनिक से घर पहुंच रहे हैं, उसके बाद घर देख रहे हैं बच्चे, तो इतनी कमिटमेंट्स हैं। तो मेरा रात को वैसे ही मेरा मूड बड़ा थक के ख़राब हो जाता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा डांट दिया। यार उसने सुसाइड कर लिया। ओह माय गुडनेस। यार उसने ना सुसाइड अटेम्प्ट किया। अच्छा। उसने ये किया कि कोई गोलियां वगैरह खाई और लियाकत नेशनल की इमरजेंसी में एंड अप हुई, और वहाँ से उसकी मुझे वालदा ने कॉल किया। तो मैं उस वो वाला ऐसा चीज़ था ना कि मैं तो बिल्कुल डर गई। फिर मैं 3-4 दिन तक उसकी मदर को फ़ोन करती रही, अपडेट लेती रही कि क्या है क्या नहीं है। वो बहुत ही कोई स्केरी सीन था। आई नो दैट वाज सो बहुत ही, तो फैंस इतने प्यारे इतने, और आप अननोइंगली कभी कुछ कर देते हैं, आपको क्या पता कि ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए हमारी भी, सिर्फ फैंस की नहीं, फैंस की तो होती है कि ज़्यादा तंग ना करें जो भी अपना पिक, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई प्यार आपसे करता है और वो कोई एक हद तक आपके पास पहुँचा है तो उसको आप तरीके से समझाएं। बहुत ज़्यादा मुझे अपनी इस गलती से ज़्यादा प्रेशर नहीं है शाइस्ता, ये मतलब यही तो मैं बोल रही हूँ। आई जस्ट फील यू हैव टू बी नाइस हर वक्त, हर वक्त, मतलब चाहे कोई कितना भी पुश करे, मूड में हो आप, आप किसी ट्रैक पे चल रहे हो, वो नहीं समझते ये। तो इसलिए एक वक्त में बस फिर आर्टिस्ट ही होना चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो शाइस्ता जब उसने होस्टिंग स्टार्ट की थी तब और जब ख़त्म किया, क्या चेंज आया इस सारे सालों में? होस्टिंग ने आपको चेंज किया बहुत? क्या मॉर्निंग शो ने मुझे बहुत चेंज किया। मुझे लगता है मैं इतनी हाइपर नहीं थी, मॉर्निंग शो ने मुझे हाइपर कर दिया। क्योंकि वो अगेन वो प्रेशर रेटिंग का, कपड़े कैसे पहनने हैं, खुद भी सही लगना है, टॉपिक क्या है, मैंने एक वक्त में आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि इतने सारे प्रेशर्स के साथ मेरी पर्सनालिटी ऐसी शेप अप हो गई कि अब मुझे अगर एक दो फिक्र होती है तो मुझे मैं नहीं बैठ सकती, सुकून में नहीं मुझे होती। सुकून में नहीं होती मैं, मेरे पास 6 कोई फिक्र होनी चाहिए, 4 चीज़ों पर दिमाग ने काम करते होना चाहिए, 12 चीज़ें मैंने अपने आस पास फैलाई हूँ, मैं उस पर काम कर रही हूँ। तो वो आई थिंक उसने मेरी काफ़ी डिस्ट्रक्शन फैलाई है उस चीज़ में। बट अब मैं कुछ कर इसलिए नहीं सकती कि मैंने बहुत सोचा इस पर, और मैंने फ्रेंकली मैंने अपने दोस्तों से जो कि थेरेपिस्ट हैं उनसे गाइडेंस भी लिया। मुझे लगता है वो पार्ट ऑफ माई चूँकि पर्सनैलिटी हो चुका है, मैं काम भी बैठूंगी तो मैं फिर भी सुकून से नहीं रहूँगी। बट आई थिंक अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो मे बी दिस इज़ गुड फॉर यू, आप बिजी हैं। येस इन अ वे, लेकिन देखो ना मैं किसी भी चीज़ को इन्जॉय नहीं कर पाती। मतलब मैं वेकेशंस पे भी हूँ तो मैं, मेरे साथ लैपटॉप है, फ़ोन है, ईमेल्स हैं, 6 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं जिनके ऊपर काम कर, तो ऐसी वेकेशंस का फ़ायदा क्या है जब आप बच्चों में रह के बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे उस तरह से। और अब हालांकि मैंने अपने ऊपर बड़ी पाबंदियाँ लगाई हैं राबिया, मतलब मैं अपने हस्बैंड को, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो भी बिजनेस में हैं, तो अब हम क्या करते हैं फ़ोन साइड में रख के कोशिश करते हैं बात कर सकें। जैसे मैं गाड़ी, आपको पता है मैं ड्राइव क्यों नहीं करती, इसलिए एक तो मैं, मगर मैं ड्राइव इसलिए नहीं करती कि मेरा वो वाला जो टाइम है सारा, जब मैं क्लिनिक जा रही हूँ या मैं शूट पर जा रही हूँ, तो वो मैं सारा अपना काम कर रही होती हूँ जितना ख़त्म कर सकें। हाँ, उस वक्त तो मेरे, तो अगर गाड़ी में कोई मेरे साथ, मेरी औलाद भी बैठी है या मेरा हस्बैंड भी बैठा है, तो मैं बड़ी मुश्किल से मैं सोचती नहीं आज तो हस्बैंड ड्रॉप कर रहे हैं तो हाँ जी आई कैन टोटली, मतलब तो इमेजिन कि आप उस वक्त। हाँ, तो ये मैंने अभी नहीं, ये मेरी एक्वायर्ड है ना विथ टाइम, मैंने एक्वायर की हैं इस मॉर्निंग शो की जर्नी से। आपके बच्चों में से कोई एक्टिंग या होस्टिंग की तरफ नहीं आया, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री की तरफ? नहीं, शौक भी नहीं है किसी को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मेरे छोटे बेटे को है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा, और ये जो कि पाकिस्तान में बहुत उस तरह का ट्रेंड नहीं है। तो घर में वो जोक्स वोक सुनाते रहते हैं आप लोगों को?
हाँ वो है हाँ. उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, लेकिन okay. वो हमारे जैसे आज के बच्चे हैं ना, तो वो बाहर का आर्ट ज़्यादा देखना पसंद करते हैं. बट आई एम श्योर वो हमारा भी देखेंगे जब. सो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, लेकिन थोड़ा वो आजकल रिवाज और वो सारी चीज़ें खत्म हुई हैं कॉमेडी की. तो टाइम लगेगा वापस आने में. जी 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 जी, लेकिन आ जाएंगे, आएंगी. आपने बोला था कि वन ऑफ द रीजंस जो आपने होस्टिंग छोड़ी इज यू वर नॉट हैपिंग जिस तरह कंटेंट क्रिएट हो रहा था और सब कुछ. मैं सोची थी आपने फिर यूट्यूब पे अपना खुद चैनल जी जो था उस पर आपने इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट किए, आप डिफरेंट लोगों को इंटरव्यू करी थी. तब नहीं सोचा कि मॉर्निंग शो टाइप कोई चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करूँ जहाँ मैं कंटेंट को खुद लोगों ने कंट्रोल कर सकूँ और वो कर सकूँ जो मुझे चाहिए. लोगों ने कहा, कंपनीज ने कहा कि ये ब्रांडिंग और वो ब्रांडिंग और आपको पता है जो कमर्शियल सारी चीज़ें. तो मैं सोचती थी कि यार मेरे नौकरी छोड़ने का फायदा क्या हुआ okay. जब वही कंटेंट मैंने इधर भी करना है. बट उस तो आप अपना कर सकती थी ना, डिफरेंट चीज़ मैं कर सकती थी, लेकिन आप देखें ना वही हुआ कि जब इसमें भी मुझे समझ में आ गया कि बेचारे चैनल वाले भी परेशान इसीलिए होते okay. थे कि रेटिंग और चीज़ें नहीं मिल रही होती थी, लेकिन मैं तो चूंकि उसको खुद बहुत टाइम नहीं दे पाती. जैसे सोशल मीडिया पर लाइफ स्टाइल बड़ा देखा जाता है चीज़ें. मैं अपनी शख्सियत भी है मेरी एक, मेरी अपनी पसंद नापसंद और चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा भी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको प्रॉपर एसएल डिजिटल नाम है उसका, और मैं उसको टाइम मतलब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एसएल डिजिटल को इतना वक्त दे सकूं कि उसके लिए कुछ क्रिएट कर. बहुत दफ़ा सोचा कि मैं लोग हायर कर लूँ और प्रॉपर शुरू करूँ, लेकिन इन द एंड तो आप ही होंगी ना, वो लोग तो करेंगे, आप ही को टाइम निकाल के चीज़ तो करेंगे. नहीं नहीं, बट व्हाई मी. अच्छा ओके, और से भी तो काम कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग आइडिया. सो व्हाट डू यू थिंक एस्थेटिक्स के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है पाकिस्तान में, लोगों को क्या लगता है जो आप फेस करती हैं, लोग क्या एक गलत फहमी में मुब्तला है एस्थेटिक्स से रिलेटेड? वो हमने कर दिया है वो हमारे यहाँ. मैंने कहा ना किसी भी चीज़ का नेगेटिव पहले सोचते हैं, अरे फिलर से तो ऐसा हो जाता है, बोटॉक्स से तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स हमने टीवी स्क्रीन पर ऐसी चीज़ें देखी हैं, तो लोगों में वो खौफ चीज़ें बड़ा और फिर हमारे यहाँ एस्थेटिक को सिर्फ फिलर और बोटॉक्स की हद तक रख दिया गया ना कि ये यही होता है बस. एस्थेटिक्स क्या है आप हमें बताएं? देखिए एस्थेटिक्स जो है वो आपका फेशियल एंड बॉडी रेशो के बारे में, मतलब किसी भी कमरे का, इस कमरे का जहाँ हम इस हॉल में बैठे हैं, वो अगर रेशो ठीक है, एस्थेटिकली प्लीजिंग है, तो आपको वो अच्छा जो फील आती है जी 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 उस कमरे में बैठने में या उसको यूज़ करने में, आप अपने कमरे में थोड़ी सी चेंज लाते हैं, कितना अच्छा फील होता है आपको, फ्रेश फील होता है कि आपने एक अच्छा स्टार्ट लिया है. और इसी तरह से फेशियल और बॉडी एस्थेटिक्स भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाँ, और विथ टाइम डिग्रेडेशन तो हर चीज़ में आती बिल्कुल, है ना. आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते एज को, लेकिन आप डिले कर सकते हैं. और अब तो रीजनरेटिव मेडिसिन की इतनी सारी चीज़ें और इतनी आगे चली गई है कि अब तो आप बहुत सारी चीज़ों से हमेशा अच्छा दिख सकते हैं. ओके, बट डोंट यू फील कि एस्थेटिक्स की जो ये फील्ड है ये सोसाइटी में थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट कर देती है, अननेसेसरी स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी और कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, लगता है आपको कभी कभी ऐसा? अच्छा, लेकिन मैंने यही तो कहा कि हमारी क्लिनिक ने या हमारी ब्रांचेस ने आम आदमी की पहुंच तक एस्थेटिक कर दी है, ये बताना चाह रही थी मैं. पहुंच तक तो कर दी है, लेकिन एस्थेटिक्स जनरली क्या हमें थोड़ा कॉन्शियस ज़्यादा नहीं कर रहे हमारी सोसाइटी को कि अबाउट हाउ वी लुक एज अ पर्सन, हाउ वी आर प्रेजेंटेड? लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल इससे ऑपोजिट कि मेरे सोशल, जिस दिन मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ या अच्छे मेरे बाल बने होते हैं या मैं अच्छी लग रही होती हूँ, मेरा सोशल कॉन्फिडेंस उस दिन डिफरेंट होता है. मुझे 6 मीटिंग्स करनी है तो मैं अपने आप मुझे आके बोलें कि आप अच्छी लग रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेरी तारीफ करें और मुझे अच्छा ना लगे. तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे दिखें. और हम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आके मुझे ये कहता है यार आप अपने बच्चे की अम्मा नहीं लगती, किसको बुरा लग सकता है? Which is true. किसको बुरा लगेगा? बहुत अच्छा ये लगे. हम ना ना जितना भी कहते रहे, हकीकत ये है कि हमें ये अच्छा लगता है. बिल्कुल. पेशेंट आता है और कई दफ़ा मैं ख्वातीन को नहीं पहच, मतलब मैं उन्हें बेटा बेटा कर रही होती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है जब वो अपनी बताती हैं कि उनकी एज ये है, तो मुझे बड़ी बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि यार उसने इतने अच्छे से अपने आप को रखा हुआ है कि वो बिल्कुल बच्ची लग रही है. या ट्रू. तो
ये बताएं कि आपको लगता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एज के साथ जो ग्रेस आप पर आता है, आप जो मैच्योरिटी और जो विजडम आपकी पर्सनैलिटी में आता है उसको आप डिनाई करें. okay. ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस एज पे एक 16 साल की बच्ची की तरह बिहेव करूँ. ये That's बिल्कुल true. नहीं हो सकता.